Hey, yo, what's up, beautiful people? Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. After a long time, vlog आ चुके हैं, मतलब बनाने लगूँ अभी. So basically मैं आया था अपने डेरे पे. तो ये है जी सारी मुंजी, इसकी हमने सफाई करवाने जाना है अभी. ओ चिवा साहब, क्या हाल है जी? हमने आज क्या क्या काम करने हैं इंजमाम भाई, बताएं. यार आज हम पंजाबी जी कह लो मुंजी छड़ान जाना है. ये चेक करें जी, ऐ मुंजी है. इसके अंदर चावल है, इसके अंदर चावल है, ठीक हो गया. इधर पूरे तक खोल उतरेगा और नीचे से हमारे पास दाना निकल आएगा, दाना निकलेगा. आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश. ओए गिर गया, दो फिटे हुए. ये देखो, ये जी इस तरह चावल निकलता है जी. अंदर चावल है, ऊपर खोल होता है, इसके अंदर ये चावल होता है. ठीक है जी, लेके जाएंगे वहाँ पे शेल्टर पे. नहीं अभी इनको ये तो बताएं हमारे साथ सीन क्या हुआ है. तो जी मैं रात को आ गया था इधर सोने के लिए, तो ये भाई कल फैसलाबाद से आया जी वापस. ठीक है, तो हमने सोचा यार व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, दोबारा कमबैक करते हैं लाइफ में. आंटी ने जी हमारे लिए स्पेशल साग बना के भेजा था, लेकिन वो शाम भाई ने ऐसे काबिल बच्चों ने रख दिया फ्रीजर में, वो जम गया. मैं रखा इंतजाम ने, जो हमारा छोटा भाई है उसने भेजा, वो रख दिया फ्रीजर में. और हालत क्या हुई है साग की, ये चेक करें. हाँ जी श्याम साहब, तेरा इलाज करने वाला आया पुत्र. ये देखें जी अभी ये बर्फ बना हुआ है सारा. और सलमान भाई क्या हाल है आपके? उर्दू बोलें थोड़ी सी. नहीं यार टेंशन केड़ी है मामा, रोटी दी. सुबह का नाश्ता नहीं किया, 7 बजे जाग रहे हैं, काम शाम अगे पीछे सारे मामला वेख रहे हैं, रोटी खान आए हैं भाई. सोचे असि दाग नू तड़का ला के रोटी पराठे नाल देसी घ्यो दे नाल खावांगे, नसीब च नहीं सी. 10:30 हो गए ने जी, जैसे ही वो मेल्ट होता है वो साथ सलमान फिर हमारे लिए पराठा बनाएगा. ठीक है, और फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, सुथरा सा नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग इसके दाने निकलवाने जाएंगे. सो स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल. साड़ी होए पराठे बना रहे हैं मामा, तू थोड़ा जा वेख ले मामा. भाई यही खा लेंगे, तू ना तू खा देंगे. सारा ही होने पत्थर बने हुए हैं वेख. तड़का लाओ जी, तड़का लाओ. ये जी हमारे लिए शेफ चीमा साहब. यार खैर है, इनको पता होना चाहिए बैचलर्स लाइफ ऐसे होती है. यार असल में हमने सफाई वगैरह कोई नहीं की थी, इधर के मामला इसी तरह के हैं. जल्दी करो, किस चीज के शेफ हो तुम, किस चीज की पे लेते हो? आप देख शक्ल दिखाओ अपने, इसने सफाई वगैरह नहीं की हुई. यार देखो क्या मतलब, मैं आपको मैं इधर मुलाजिम हूँ यार. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप इधर काम क्यों नहीं ध्यान से करते हैं? हेलो, मुझे ये शाम तक सारा कुछ साफ चाहिए. ठीक है, ठीक है, थानू तिन्हों नु कह रहा. देखिए मेरे 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 गुस्से से दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ, ये मेरा अंदर है. गरम गरम वाला कोई मजाक नहीं मामा, मेरा चिमटा सड़ गया, मेनू किने लाइक करना मेरे. उ तो फिर तू रोटियां खा रहे हैं, नवाले तोड़े हैं, इधर तू सुकून नाल बैठ के बाज आ जा. देखें जी मक्खन डल रहा है जी उसके अंदर, तड़के के लिए रेडी हो रहा है. साथ अदरक है और ग्रीन चिली है. क्या है जी? अदरक और शायद साथ शहरी है. दो फिटे हुए जी, चेक करें मैं कितना काम कर रहा हूँ. अभी देर आ गया लगा, इतना काम जुल्म करवाते हैं फिर डेरे पे बुला के ऐसे. तू बाहर आ जा, तू पुत्र तू रेडी हो, तेरी वारी है. तुसा जेड़ा अंदर रख दिता है ना साढ़े लिए साहब बनाता है, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ. ਇਹ ਜੀ ਤੜਕਾ ਲਗਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਾਗ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਇਧਰ ਸੇ ਡਾਲੇਂਗੇ ਜੀ. ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ. ਓਏ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੋਟਿਆ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ. ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਸਮਝਾ ਕੋ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਾਮਾ. ਓਹੋ क्या बात है माशाल्लाह. मैं कह रहा एडा कोई एडे को तड़का लावांगे जेड़ा खा सकी आपे. मैं चेक करें जी हमारा साग तैयार हो रहा है, तड़का लग रहा है जी.
सारे ही शेफ ने रोटी मंगा रहे हैं मक्खन ला ला के। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नाश्ता इज रेडी नाउ। नाश्ता करन लग गया सी सारे भरा बैठ के। लो जी नाश्ता वगैरह फुल टाइट हो के हो गया, अब आगे के मामलात वगैरह देखते हैं क्या करना है। माशाल्लाह बोरियां बांध रहे हैं बच्चे लोग हैं जी। इधर लोडर लग गया जी, इधर से गट्टू जाएंगे नीचे। लोग निकल गए हैं लोडर पे वो सारी मुंजी लेकर, अब हम लोग जाएंगे ट्रैक्टर में डीजल भरवाएंगे एंड आफ्टर डैट शैलर पे जाएंगे। सलमान साहब ही हमारे पीछे पीछे आएंगे डीजल डलवाएंगे ट्रैक्टर में। इधर पहुंचे हैं तो पता चलिया कि इनके पास डीजल ही खत्म है। सलमान साहब ही आ गए ने, लेकिन क्या फायदा, सलमान नु दस दे यार डीजल ही कोई नहीं। हां सलमान साहब डीजल ही कोई नहीं है भाई। डीजल तो पड़ा जी शिल्ली खाने का, चली खुद ही गर्म कर दे। हां जी रख भाई। चीमा साहब इधर भी आप ही जी, अब हम जा रहे हैं आगे जहाँ पे हमारी वो मुंजी है, वो लोडर वाला पहुँचने वाला आज पहुँच चुका होने बल्कि बस अब पहुँचेंगे। ये भैया आगे पीछे जंगल भी हम आए, क्या करो पहुँच गए यहाँ से भी अल्लाह अल्लाह करके जी। तार सारे तोड़े यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से डालेंगे और मशीन वर्किंग हो के यहाँ से बाहर आएगी। सारा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं जी। बस इधर से अब कट हो के इधर जाएंगे, ऊपर से चढ़ के जाएगा जान मारो। Vlogging is not that easy man. चावल खाने भी इतने इजी नहीं है। नौमी साल होता, नौमी ने आना ही नहीं था। नौमी ने धूल मट्टी से वैसे बड़ा बचता है, वो जरा कॉन्शियस बच्चा कॉन्शियस। चंगे तरह खाली कर ध्यान से। इधर से जा रही है ऊपर और ये उधर से निकल रही है एंड आफ्टर डैट सारी वॉश हो गए छिड़कियाँ वगैरह उतर के यहाँ से हमें चावल मिल जाएंगे जी। इधर लगा रहे हैं गट्टू, आहिस्ता आहिस्ता इधर से चावल निकलेंगे। अब बिस्मिल्लाह करो जी, मारो नारा मार के नारा। हो साबत आ रहे हैं, इसमें थोड़े देर चावल टूट रहे हैं वो आ रहे हैं। बड़े
हालत आप लोगों के सामने है। अभी हम लोग निकल आए हैं, चावल वगैरह निकल के पैक होके लोडर पे लोड होके आ जाएंगे। तो अब हम डेरे की तरफ मूव करते हैं, हालत थोड़ी खराब हुई है ना, ये तो ये जाके। तो जी डेरे पहुंच गए हैं और इधर इंजमाम भाई चढ़ने लगे हैं ट्रैक्टर पे, चेक करें एक ही मार रहे हैं, सुहागा मार रहे हैं क्या बात है, दबाने के लिए स्वागत मारते हुए। अच्छा जी चेक करो, अब हुणे एक टूर मैं भी लावांगा देखना तुसी। जी अब मैं जाने लगा हूं, चीमा साहब फड़ो मैं चलदा हूं। इस तरह क्या करते हैं, सुहागा हाँ जी सुहागा सुहागा करते हैं गंदम का जमीन पे। देखना अभी मैं कितनी देर में उधर पहुंचता हूँ, इधर से गिनना स्टार्ट कर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. चढ़ गया तो पुत्र पहला नसया नहीं सी। ये था सारे के सारा व्लॉग, सांस चढ़ा हुआ इतनी देर से पाक के आया था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होना, इस तरह चावल को बेसिकली निकाला जाता है। आपको अच्छा लगा होना, बस मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो वैसे इंजमाम भाई मुझे एक चैलेंज याद आया है, आपको याद है आपको मैंने हराया था जिम में, आपने कहा था अगली वीडियो में जो जीतेगा वो हारने वाले से मैकडोनल्ड्स खाएगा भाई। हाँ तो तू हारेगा ना। क्यों हारूंगा वजह, हारेगा पुत्र देखी एवं हारूंगा, बस तू धक्के दा मैकडोनल्ड मैं खाना पुत्र देख ली। तू याद रखी तू ना हारिया ना मेरे मुँह से आती देखी भाई, अब फिर भाई की वजह से हारना पड़ेगा। खैर कोई नहीं दसांगा तेन मैं। चलो जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब भी कर लो, इंशाल्लाह न्यू व्लॉग्स आ रहे हैं।